चली गई अहमद की गाड़ी, वाओ। इसका कलर इतना खूबसूरत आया है, लुक बहुत अच्छी लग रही है। चले यहाँ पर एक अंडा ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी अभी अभी जो है व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने सुबह से कोई व्लॉग ही नहीं बनाया था, तो बस अभी से जो है अपनी रूटीन का स्टार्ट करूँगी। बच्चे भी उठ गए हैं, काफ़ी देर हो गई है, और बस अब मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, बनाने के लिए जा रही हूँ किचन में दोपहर के। और इधर मैंने पहले ईमान के बाल भी बना दिए, बांध दिए। रात को मैंने ऑयलिंग कर दी थी ईमान के बालों में भी और अहमद के बालों में भी, दोनों के बालों में मैंने ऑयलिंग की थी, अब बांधे हैं। रात को रफ से बांध दिए थे चुटिया मैंने, अब किया। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ आपको? सुबह अहमद काफ़ी लेट सोया, काफ़ी लेट सोया सुबह फजर के टाइम। ओह आराम से, बहुत इसने रात को मुझे तंग किया, बस इसी वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। मैं बहुत थक गई थी इसके साथ। उठे भी आज हम लेट हैं, 2 बजे तो उठे हैं हम लोग आज, और बस अब जो है ना 3 बज गए हैं। तो मैं जा रही थी बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बनाने। हाँ अल्लाह पढ़ लो। रात तक दाल गरम कर रहे हैं, यहाँ दूध बन रहा है अहमद का। अभी मम्मा ने बना लिए हैं, ये भी निकाल लिए हैं, अब ऑमलेट बनाएंगे। मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं तो मैं ऑमलेट बनाने लगी हूँ। ऑमलेट में जो है ना मैं माश की दाल मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मम्मा ने अहमद को दे दिया फीडर, आज और 2 महीने तक के देती है। यहाँ पर लेट के पियो, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। तो जी पहले मैंने ना माश की दाल गरम कर ली, तो मुझे फिर बाद में याद आया कि मैं ना उसके साथ मिक्स करके ऑमलेट बना लेती हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर जो हैं वो कर लिए हैं मिक्स, सोते कर लिए हैं ऑयल में थोड़े से। और अब जो है हम अंडा डालेंगे और साथ ही माश की दाल भी डालेंगे। और शिमला मिर्च भी ऑमलेट में बहुत मज़ेदार लगती है, ट्राई कीजिएगा। चलो ईमान डालो, ईमान मेरी हेल्प करवा रही है, बस अभी इसको नहीं छेड़ते, थोड़ा हो जाए फिर। ठीक है, देखो भाई अंदर बुला रहा है, क्या कहता है? ईमान कह रही है कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अंदर रूम तक। हेलो, अब साथ ही माश की दाल भी डाल देंगे हम और ना फिर इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने माश की दाल ऐड कर दी है। इसका कलर इतना खूबसूरत आया है, लुक बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैंने रात वाली जो रोटी थी तो ये मैंने गरम कर लिया जो दाल के साथ लेकर आए थे। आए हैं बच्चे और ईमान भी बैठ गई है साथ पढ़ने। हाँ जी, और अहमद भी पढ़ रहा है। चलो मैं अभी बता देती हूँ आपको, यानी होमवर्क नहीं किया हमने, नहीं किया। चाय बना रही हूँ यहाँ पर और सब कुछ डाल दिया मैंने, बस चीनी डालने आई हूँ, मैं भूल गई थी चीनी डालना। चले, काले बादल आ गए हैं फिर से। कर लिए सारा काम, हो गया? चलो मैं अब चेक करती हूँ। बादल आ गए हैं फिर से और जी हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। मैन की स्पेलिंग सुनो, मैन मैन
एन नी एन से स्टार्ट नहीं होता, एम ए एन मैन, ठीक है, बैठ के बी ए टी बैट। रात के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन मखनी, और मैंने ना प्याज और टमाटर को ऐसे चॉप करके, और छोटा छोटा चॉप नहीं किया, बस नॉर्मल करके इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। इसको हल्का सा बस हम कलर देंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। मेरे घर में दो दो जगह जो है ना खाना बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और दूसरा जो है वो यहाँ बन रहा है। अब भी आएँ और अहमद के हाथ का खाना भी खा के देखें और मेरे हाथ का भी खाना खा के देखें, ठीक है शेफ अहमद? ठीक है ना, क्या पका रहे हो आज आप? हाँ, तो मैंने थोड़ा सा फ्राई करके दोनों चीज़ों को निकाल लिया। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी और दो डेढ़ टमाटर, 1.5, सही है। है चिकन, अब हम इस ऑयल में चिकन फ्राई कर लेंगे। बोनलेस है ये, इसको हम पीस लेंगे। इसे हम फ्राई कर रहे हैं और साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके साथ जो है सिर्फ भूनेंगे। थोड़ा सा इसके साथ फ्राई कर लेंगे। मैंने हाफ टी स्पून ऐड की है कुटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ रेड वाली पिसी हुई। नमक जो है मैंने पहले ऐड कर दिया और सूखा धनिया डालेंगे बस। सूखा धनिया डाल, जीरा पाउडर अब ऐड कर दी है उसकी टमाटर की और प्याज की पेस्ट। पानी इसमें डालेंगे, जाएगी इसमें दही। दही को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, डाल देंगे इसमें, जाएगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी यानी छोटा टीस्पून जो होता है वो डाल देंगे, ये इसमें लाजमी जाती है दही के बाद। बस अब इसको हम कर देंगे कवर, ठीक है, इसे धीमी आंच पे थोड़ा सा पकने देंगे और फिर हम एंड पे इसमें ऐड करेंगे क्रीम। फ्रिज कुछ रखने के लिए, तो अहमद को नज़र आ गई है पेप्सी, कहते हैं पेप्सी दो, तो उसके साथ साथ जो है मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि किचन में काफ़ी गर्मी है। हाँ, शी इसको कहते हैं पेप्सी, क्या कहते हैं? पेप्सी, शी नहीं है ये, पेप्सी है, ठीक है। लेते हैं अपनी हंडिया और ऑयल ऊपर आ चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है उसकी कसूरी मेथी की। और जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में, क्या ऐड कर देंगे ईमान? वाइट क्रीम। क्रीम क्रीम ईमान वाइट ही होती है। ईमान लगता है कुछ और ईमान के मुंह से निकलने लगा था। हाँ, वाइट कढ़ाई। हाँ, तो हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे, सही है। खोलो ईमान, चिकन भी जो हमारा कुक हो चुका है, बस हाँ अब लास्ट में हमने इसमें क्रीम ही ऐड करनी है। मुझे दिखाओ, इसमें जमी हुई थी बर्फ़, इसीलिए ये निकल नहीं रही थी तो मुश्किल से निकली है थोड़ी। बच्चों को लेकर आ गई इस रूम में, बच्चे वहाँ से पढ़कर चले गए हैं और खाना वगैरह हम बना कर हो गए हैं फारिक। ईमान ने भी कपड़े चेंज कर लिए, ईमान के बाल मैंने इस तरह बनाए हैं, इधर से मैंने की है पिन अप और पीछे से बना दिए हैं बाल बांध दिए हैं, ठीक है। बेबी के अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, बस अभी करूँगी इसके भी, फारिक हो गई हूँ अब। पहले बच्चे बैठे हुए थे, फिर खाना बनाया है को मैंने सुला दिया और दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। और इस रूम की भी मैंने अभी सफाई की है अहमद के सोने के बाद।
साफ़ हो गया है। अब ये हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर खाना खाएंगे, और खाना भी रेडी हो गया है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखें हमारी जो है हांडी, चिकन मखनी भी रेडी हो गई है। अहमद बेबी जो है वो उठ गया और मैंने अहमद को रेडी भी कर दिया है। इधर देखो, इधर देखो, हमने सुरमा भी लगा लिया है, पाउडर भी लगा लिया है, और मेरे बेटे ने नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। ठीक है, और मैंने हम खेलते हैं अब अपने टॉयज से, मामा और बेबी दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, गुड गुड हो गया। और रोया भी बहुत है, बहुत रोया कपड़े चेंज करवाते हुए, सुरमा लगवाते हुए। हाँ ना, मूड ख़राब हो गया था क्योंकि जल्दी उठ गया, नींद ख़राब हो गई है, नींद पूरी नहीं हुई, और मैंने खुद जल्दी उठाया। अगर अभी भी देर से सोता तो फिर जो है ना रात को फिर नहीं सोना था इसने जल्दी, तो मैंने फिर दोबारा कोशिश नहीं की कि ये सोए। तो बहुत जो है रोया काफ़ी देर होता रहा है, और फिर ईमान बाहर लेके गई है, थोड़ी माओ दिखाई है, फिर बेबी चुप हुआ। जी क्या चाहिए बेबी को इसमें से? अभी तक हमने खाना नहीं खाया, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, और आई थिंक उनको अभी भी टाइम लगेगा। तो फिर मैंने ईमान से कहा है आटा तो गूंदा पड़ा है, निकाल लो। निकाल दिया ईमान आटा? आटा ईमान निकाल के रखा ही है फ्रिज में से, तो बस अब अहमद को थोड़ा खिला लूँ, इसका मुँह ठीक कर लूँ, तो फिर मैं रोटी पकाती हूँ। बस खाना खाने लगे हैं, रोटी मैंने बना ली है, और हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, कहते हैं मैं भी थोड़ी बहुत खाऊंगा। तो मैंने कहा आ जाए फिर जल्दी से, फिर हम खाना शुरू करेंगे। और ये है मेरी चिकन मखनी, ज़बरदस्त सी, यम्मी सी। ईमान के लिए दूध लाई हूँ, ये लो दूध पियो, और जो है ना बस अब सोने की तैयारी करो। ठीक है, फिनिश करना सारा। चलो बेबी आपको भी फीडर बना के दूँ, चले 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 चले। तो फीडर भी रेडी हो गया है, चलो अहमद अंदर पिलो पे लेटे, पिलो पे चले चले चले, पिलो पे लेटेंगे हम, चलो पिलो 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 पिलो। पिलो कहाँ है, पिलो कहाँ है पिलो? और मैं अपने लिए थोड़ा सा गर्म करने लगी हूँ ज़रदा, ये थोड़ा सा ही पड़ा है, तो मैंने कहा इसको खा के ख़त्म करते हैं, और इसके बाद बस ब्लॉग का भी एंड यहीं करूँगी। अहमद फिर उठ के आ गया मेरे पीछे, मैं इसको फीडर दे के आई थी कि ये लेट के पिएगा, लेकिन नहीं, वो फिर मेरे पीछे पीछे। तो जी ब्लॉग का एंड भी बस यहीं पर करूँगी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरी फैमिली को याद रखें। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, थैंक यू। आइंदा भी आपसे यही उम्मीद रखूँगी कि आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और मेरे ब्लॉग को पसंद करें, वॉच करें। जी जी हाँ जी, बस बस जी, बोले क्या चाहिए, बाय बाय कर दें, बाय बाय। ये देखें अहमद ने यहाँ से शीट फाड़ भी दिया, ये रमज़ान में मैंने नहीं लगाई थी। हाँ जी, ये आपके कारनामे हैं, ये आपके कारनामे हैं। पूरी माशाल्लाह ठीक है, सही है बिल्कुल, और बस यहाँ से जो है ना इसने फाड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ओवन का बटन था, इस वजह से थोड़ी सी आगे थी ना, तो वहीं से फट गई है। ठीक है अहमद।